फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत वाइन जो कि आप बहुत आसानी से अपने टेरिस पे और कंटेनर गार्डनिंग में जो है लगा सकते हैं। बहुत इजीली ग्रो हो जाती है, बहुत खूबसूरत उसके फ्लावर्स और खुशबूदार होते हैं और वाइन प्लांट्स में टेरिस और कंटेनर गार्डनिंग के लिए बहुत ही अच्छी सिलेक्शन है। तो फ्रेंड्स, आए फिर चलते हैं और इस वाइन के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये वाइन प्लांट मेरे रूफटॉप गार्डन में यहाँ पर इस कॉर्नर में लगी हुई है। फ्रेंड्स, इस खूबसूरत वाइन को, इस खूबसूरत बेल को स्टार वेरीगेटेड जैस्मीन कहते हैं क्योंकि इसके जो फ्लावर्स हैं वो सितारे की शक्ल के स्टार शेप्ड होते हैं, तो इसलिए इसे स्टार वेरीगेटेड जैस्मीन कहते हैं। इसके पत्ते जो हैं वो वाइट, क्रीम और ग्रीन कलर के होते हैं, तो इसलिए इसे वेरीगेटेड कहते हैं। फ्रेंड्स, ये सारा साल इसके पत्तों का शो ऑफ साल भर रहता है, इसलिए इसके पत्तों की खूबसूरती की वजह से ये बहुत ही पसंद की जाती है। इस पे इस तरह से ग्रीन, रिच ग्रीन, क्रीम और वाइट कलर का इस पे कलर नुमाया होता है इसके पत्तों पर। और फ्रेंड्स, इसके फ्लावर्स जो लेट स्प्रिंग और अर्ली समर आ जाते हैं और इस तरह से ये फिर क्लस्टर्स में भर कर फ्लावरिंग करती है। तो आप ये देख रहे हैं कि मेरा ये वाइन प्लांट इस टाइम फ्लावर से भर चुका है और जब हवा चलती है तो इसकी खुशबू जो है वो गार्डन में आती है, हल्की सी बीनी बीनी, बड़ी स्वीट सी इसमें खुशबू सी आती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से ग्रो करने वाला प्लांट है, बस जस्ट आप इसकी वाटरिंग करते रहें तो पूरा साल इस तरह से हरा भरा रहता है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो तब भी ये अपने लीव्स को नहीं गिराती। इसकी केयर बहुत इजी है, बस आपने इसे जो है मॉडरेट वाटरिंग करनी है। जब आप सॉइल को थोड़ा सा ड्राई होता देखें तो इसमें आप वाटरिंग कर दें। और जो है आपने जब भी इस तरह के प्लांट्स को आपने लगाना होता है तो आपको इन्हें सन में रखना होता है, लेकिन इसे मॉडरेट सन की ज़रूरत होती है, यानी कि हल्की सी छाँव और धूप में ये खुश रहती है, आसानी से ग्रो करती है। तो आपने इसे थोड़ा सा साया और थोड़ी सी धूप वाली जगह पे रखना है। धूप को बर्दाश्त कर लेती है लेकिन बहुत ज़्यादा तपती धूप को बर्दाश्त नहीं करती। जब भी किसी बेल प्लांट को लगाएं तो आपने इस तरह से रखना है, वेल साइज्ड पॉट लेना है। मैंने नीचे ट्रे रखा है ताकि छत की जो गर्मी है वो प्लांट के मिट्टी तक ना पहुंचे। इसकी सॉइल को थोड़ा सा मॉइस्ट रखना है और जब हल्की सी ड्राई साइड पे जाए तो फिर आपने इसमें वाटरिंग कर देनी है। तो आप देख रही हैं इसमें जो है इस तरह से मैंने थोड़ा सा मॉइस्चर बना के रखा है और आप ये इसके फूलों की शेप देख रहे हैं कि ऐसे लगता है जैसे सितारे खिले हुए हैं। तो आपको एक बेल पे उसके पत्तों पर तीन कलर मिलेंगे, भर कर फ्लावर्स मिलेंगे, छोटे छोटे फ्लावर्स, और जब हवा चलेगी तो आपके टेरेस पर इस तरह से इनकी भीनी भीनी खुशबू आएगी। तो फ्रेंड्स, बहुत आसानी से ये ग्रो कर जाती है और आपको इसमें कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती। और जो है आप बस जब इसे जो है आप प्लांटिंग करने लगें तो एक अच्छे साइज़ के पॉट में रखें और इसमें जो है ये थोड़ी सी काऊ डंग मिला दें और थोड़ी सी कंपोस्ट मिला दें तो इसका अच्छा मिक्सचर बनाकर आप इस तरह से इसे ग्रो कर सकते हैं। इस पर कोई ख़ास बीमारियों का भी अटैक नहीं होता क्योंकि पेस्ट डिजीज़ रेजिस्टेंस रखती है, कीड़े मकोड़ों से लड़ने की सलाहियत रखती है, तो इसलिए जो है ये अच्छी तरह ग्रो कर जाती है। बस आपने इसे नॉर्मल सा वाटर और जो है हल्की धूप छांव में रख कर इसे ग्रो करना है और महीने में एक से दो बार इसकी गुडाई कर दें ताकि इसमें एयर सर्कुलेशन सिस्टम बना रहे। इसकी प्रोपोगेशन की बात करें तो कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है। एक छोटी सी कटिंग लें और उसके नीचे के लीव्स आप उतार दें और जो है भालू मिट्टी में, एक रेतीली मिट्टी में आप इसे लगा दें, मॉइस्चर को मेंटेन रखें तो बहुत ही आसानी से लग जाती है। ये बरसात के मौसम में इसका कटिंग लगाने का सबसे बेस्ट सीज़न है। तो फ्रेंड्स,
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।